हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, निजाम बदलते ही निजामत भी बदलने लगी। मुख्यमंत्री बनते ही सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं और सबसे पहला काम तो उन्होंने मोदी सरकार को चोट देने का किया है। सुक्खू सरकार बीजेपी सरकार के लिए गए सभी फैसलों का रिव्यू तो कर ही रही है, लेकिन इसमें से सबसे गहरा चोट देने वाला कदम अटल टनल को लेकर है। हिमाचल में प्रदेश की कमान सुक्खू के हाथों आते ही अटल टनल को लेकर सुर्खियों का बाजार जो गुलजार हो गया है। बातें ये भी होने लगी है कि सुक्खू अटल टनल का नाम बदलने जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे बदले की भावना करार दिया, तो वही सुक्खू ने कहा कि बदले की भावना नहीं, ना ही वो कोई नाम बदलने का फैसला ले रहे हैं, वो तो बस उस खोए हुए शिलान्यास की पट्टिका को ढूंढ रहे हैं, उसे उसकी सही जगह पर लगाने जा रहे हैं जो सोनिया गांधी ने 2010 में अटल टनल के नींव के तौर पर स्थापित की थी, जिसे 2020 में टनल के उद्घाटन से पहले गायब कर दिया गया। सुक्खू ने यहाँ बीजेपी पर बड़े आरोप भी लगाए। उस शिलान्यास की पट्टिका थी, उसको अगर आप उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे, हमने कहा उसे तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाए। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ के किनारे रख दी, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां उनकी पट्टिका लगा दी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो शिलान्यास कहीं हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हम ऐसी परंपराओं में नहीं पहुंचते जहां यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की डर के मारे पट्टिका लग रख दी है। हम आपकी जो शिलान्यास की पट्टिका है जहां लगी होगी वहां बजट का प्रावधान क्या होगा वो भी हम नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इसका शिलान्यास किया था। उस वक्त इस टनल का नाम रोहतांग टनल था। सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के डुंडी में रोहतांग टनल के दक्षिण द्वार मतलब साउथ पोर्टल पर अटल टनल की आधारशिला रखी थी। उस वक्त हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। बाद में मई 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इसके 6 साल बाद 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था, लेकिन उससे ठीक पहले वो फाउंडेशन स्टोन कथित रूप से गायब हो गया, जिसे 10 साल पहले सोनिया गांधी ने आधारशिला के रूप में रखा था। खास बात यह थी कि इस बार भी हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार थी। इसके बाद काफी बवाल हुआ। लाहौल और स्पीति में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष गया लचन ठाकुर ने तो पुलिस में FIR दर्ज करवाकर बीजेपी पर पत्थर गायब करने का आरोप तक लगाया। फिर पुलिस ने साफ किया था कि जो आधारशिला की नींव सोनिया गांधी ने रखी थी वो टनल बनाने वाली कंपनी SAJV ने सुरक्षित रखा है। उसे हिमाचल के सीमा सड़क संगठन यानी BRO की मैकेनिकल वर्कशॉप में रखा गया था। कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब जब हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है तो वक्त आ गया है कि वो सोनिया गांधी की तरफ से स्थापित की गई पट्टिका को वापस लगाए। इसी के लिए सुक्खू जुट चुके हैं। वैसे बता दें, अटल टनल के क्रेडिट को लेकर कांग्रेस बीजेपी शुरुआत से ही आपस में भिड़ती आई है। कांग्रेस का मानना है कि 1972 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए लाहौल स्पीति के लोगों से वादा किया था कि उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ये सुरंग बनाएगी। वही बीजेपी इसके लिए साल 2000 में आई अटल सरकार को क्रेडिट देती रही है। हालांकि कौन सही है और कौन गलत, इसका जवाब तो पार्टी ही दे सकती है। अटल टनल के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और भी कई फैसले लिए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के नए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी सरकार के लिए सभी फैसलों की समीक्षा करने की घोषणा की है। यही नहीं, उन्होंने उन अधिकारियों को भी बर्खास्त करने का आदेश दिया है जिन्हें हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया था या उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। सुक्खू ने शिमला में मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बदले की भावना वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर की सरकार ने बिना बजट के संस्थान खोले थे। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार पर रिटायर अफसरों को तैनाती के आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार ने रिटायर अफसरों को ही रोजगार दिया। भर्तियों में घोटाला हुआ है। पूर्व सरकार के खोले गए शिक्षण संस्थानों में ना तो स्टाफ है ना ही बच्चे।
अफसरों का कहना है कि सरकार कहती थी कि घोषणाएं करो, हमें चुनाव जीतना है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार जरूरत के आधार पर शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को खोलेगी, इनके लिए बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकार ने पूर्व कैबिनेट के 9 महीने के फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय भी लिया है। प्रदेश की सरकार ने 1 जून 2022 से पिछले 6 महीनों के दौरान पिछली बीजेपी सरकार द्वारा किए गए सभी शिलान्यासों का विवरण भी 15 दिसंबर 2022 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करने के लिए कहा है। वही हिमाचल में अब विधायकों और अफसरों को वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं देने का आदेश दिया गया है। अब इन्हें आम लोगों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया, तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की, और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं, कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं हो जा करनी है, ये अधिकारी कह रहे हैं। वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना, चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला,